स्टैंड पर बिजली पिछले कल से बंद होने कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंकज डिडवानिया ने हलचल को बताया कि रोडवेज बस स्टैंड की बिजली का कनेक्शन प्रीपेड होने से बंद हो गया है। रिचार्ज नहीं कराने के कारण कल से बिजली बंद है। ऐसे में रोडवेज बस स्टैंड पर दुकानदारों के फ्रिज बंद होने से उनमें रखी सामग्री खराब हो रही है। दुकानदारों ने तत्काल बिजली चालू कराने की मांग की है। कल से 2 बजे बाद हमारे यहाँ लाइटें नहीं आ रही है। उधर रोडवेज में सभी यात्री भी परेशान हो रहे हैं। सुलभ शौचालय में पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से लेटरिन बाथरूम बंद पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ भी लाइटें कल से बंद पड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग सीसी कैमरे नहीं चल रहे हैं। रात को अंधेरा हो गया था, हमें इमरजेंसी लाइटें ला के लगवानी पड़ी। हम कल भी जाके आए थे इनके पास, उन्होंने कहा कि हाँ चल रही है लाइटें, अभी बुलाया है RSPB वाले को, चेक कर रहे हैं। हम जाके बात करके आए, पूरे स्टाफ के साथ गए थे, फिर उन्होंने किसी को बुलाया भी था लाइट वाले को, फिर उन्होंने चेक भी किया पीछे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मीटर माइनस में चला गया है। फिर उसके बाद हमने सिक्योर कंपनी में भी फ़ोन किया, वहाँ से पता लगा कि साहब आपके प्रीपेड है, उसमें बैलेंस नहीं होने की वजह से लाइटें काट दी गई है। नहीं, एक्चुअली क्या बिल जो था वो कल चेक काट दिया था और आज शायद किसी को भेज के वो जमा भी करवा दिया गया है। एक्चुअली क्या पिछले लगभग 1 महीने से भीलवाड़ा आगार में मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट रिक्त थी, उन्होंने कल ही दोबारा ज्वाइन किया है। तो उनके ज्वाइन करते ही जो जो बिल पेंडिंग पड़े थे उनके चेक कटवा के और उनको जमा करा दिया और वो बिल आज जमा हो गया है। बस मेरे हिसाब से जमा हो गया होगा और एक आदमी भेज रखा है और अभी चालू होगी हुई नहीं तो विद इन हाफ एन आवर चालू हो जाएगी। नहीं, बिजली बंद होने से तो क्या नुकसान हो रहा है, और वो मेरे पास तो आएगी नहीं। अगर ऐसी बात थी तो उनको कल ही मुझे अवगत कराना चाहिए था। नहीं नहीं, वो ऊपर का काम ठप नहीं हुआ और नीचे के स्टैंड की लाइट जरूर उसे डिस्टर्ब हुई है और वो भी चालू हो जाएगी कुछ एक दिन में।